आज 25 दिसंबर पूरे विश्व में धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। खासकर जो ईसाई समाज के लोग हैं वो इस त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से इसकी जो तैयारियां थी वो चल रही थी और आज पूरे धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं अब बिहार में जो तमाम नेता हैं वो बधाई दे रहे हैं और बधाई देने का सिलसिला लगातार चल रहा है। चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री, सभी ने क्रिसमस की बधाई दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, क्रिसमस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह का संदेश त्याग, शांति, प्रेम एवं करुणा का है, जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। क्रिसमस के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना है। वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी क्रिसमस की बधाई दी और कहा, मेरी क्रिसमस मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग मोर लव, जॉय, पीस एंड हारमोनी टू वन एंड ऑल, मे योर लाइफ बी मेरी एंड ब्राइट, मेरी क्रिसमस। वहीं बिहार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव भी देर रात क्रिसमस के प्रेयर में शामिल हुए। कोट पैंट पहने तेज प्रताप यादव क्रिसमस के प्रेयर में हिस्सा ले रहे हैं और ये वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जहां पर क्रिसमस की प्रेयर हो रही है देर रात को और तेज प्रताप यादव भी उस प्रेयर में शामिल हुए हैं। आप वो वीडियो देखें। तो आपने देखा, तेज प्रताप यादव भी क्रिसमस मना रहे हैं और क्रिसमस की जो प्रेयर होती है उसमें वो खुद शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे विश्व में इसको लेकर धूम मची है। लंबे समय से कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन था उस वजह से लोग खुलकर क्रिसमस नहीं मना रहे थे और इस बार लोगों को मौका मिला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना का भी डर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को सता रहा है। जिस तरीके से कोरोना के संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, कोरोना संक्रमण पाँव पसारने लगा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग थोड़े से डरे हुए भी ज़रूर हैं। तो ज़रूरत है सावधानी से क्रिसमस मनाने की, सावधानी और सतर्कता के साथ क्रिसमस मनाई जाए तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम द एज न्यूज़ की तरफ से अपने दर्शकों को भी क्रिसमस की बधाई देते हैं, मेरी क्रिसमस। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एज न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एज न्यूज़।